एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड घूम रही है, मून ले लो, अर्थ के अराउंड सैटेलाइट घूम रही है, क्या वो फ्री फॉल मोशन? अगर आपका आंसर नहीं है तो आपको ये वीडियो देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हेलो पैल्स, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में आपके कई सारे मिसकंसेप्शन में क्लियर कर दूंगा। आज हम बात करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी और फ्री फॉल मोशन। इसको वन डायमेंशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। आइए देखते हैं इसकी कुछ कॉन्सेप्ट्स। मान लो एक मास है, उस मास को मैंने ऐसे हवा में रखा और मैंने छोड़ दिया, वो मास कहाँ जाएगा? ऊपर या नीचे? मास जाएगा नीचे। क्यों? क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है, मां का प्यार है, धरती माता है और मां का अट्रैक्शन, तो अर्थ के कारण वो पार्टिकल हमेशा नीचे जाता है, राइट? अगर हम इसका फोर्स कैलकुलेट करें तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द एक्सेलरेशन कॉज्ड ड्यू टू द अर्थ, एक्सेलरेशन कॉज्ड ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन। इसीलिए हम इसको एक नया सिंबल देते हैं, इसको बोलते हैं जी। दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये लगभग 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और इट कैन रिटर्न 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, राइट? नाउ एक बार बताइए, मान लो मैंने किसी बॉडी को ऊपर फेंक दिया, राइट? मैंने किसी बॉडी को ऊपर थ्रो किया, क्या ये फ्री फॉल मोशन? थिंक। चलो एक बार एक और, सपोज एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड घूम रही है, मून ले लो, अर्थ के अराउंड सैटेलाइट घूम रही है, क्या वो फ्री फॉल मोशन? अगर आपका आंसर नहीं है तो आपको ये वीडियो देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने अभी आपको बोला फ्री फॉल मोशन, बेसिकली फ्री फॉल मोशन, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ओनली ड्यू टू द अर्थ, अगर जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के कारण लग रहा है तो ये मोशन फ्री फॉल मोशन होगा, ठीक? इसका मतलब अगर आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं या नीचे फेंकते हैं या ड्रॉप करते हैं या सैटेलाइट घूम रही है, ये सभी केसेस फ्री फॉल मोशन के हैं, जिसमें एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। क्या चीज क्लियर? अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है वो ये साइन कन्वेंशन। हालांकि आपको साइन कन्वेंशन पता है पर फिर भी मैं एक पॉइंट पे स्ट्रेस दूंगा, वहां पे अपने आंख कान और दिमाग को खोल के ध्यान दीजिए। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ओरिजिन। हमेशा जिस पॉइंट से मोशन स्टार्ट करो उस पॉइंट को ओरिजिन नाम दे दो। अगर आप ग्राउंड पे से बॉल को फेंक रहे हो तो उसको ओरिजिन बोल दो ग्राउंड को। अगर आप बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो और वहां से बॉल को ड्रॉप कर रहे हो तो इस केस में ओरिजिन ग्राउंड को मत लो। ओरिजिन कहां पे लेंगे अपन? टॉप पे, जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने ये कर दिया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आपके साइन कन्वेंशन की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी और सारे आंसर ऐसे निकल के आएंगे। चलिए, तो यहां से राइट में कोई भी चीज होगी और ऊपर कोई भी चीज होगी तो मैं उसको पॉजिटिव मानूंगा, लेफ्ट में और नीचे उसको नेगेटिव मानूंगा। तो आई होप आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर है। तो आइए अब हम देखते हैं डिफरेंट केसेस ऑफ मोशन। फर्स्ट केस, जहां पे हमने ग्राउंड पे एक बॉडी को लिया है और उसको यू स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया, राइट? अब जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी उसकी स्पीड घटती जाती है, राइट? क्यों? क्योंकि उसको अर्थ नीचे अट्रैक्ट करती है, एक्सेलरेशन उसका नीचे की तरफ है, राइट? और जैसे जैसे ऊपर जाएगी उसकी स्पीड घटेगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉडी रेस्ट पे रहती, फिर वहां से वापस वो पलट के नीचे आती है। ये चीज क्लियर? यहां पे कोई मजाक नहीं चल रहा, राइट? ये कोई साउथ इंडियन मूवी नहीं कि उसमें बॉल को प्रोजेक्ट किया और वो बॉल गई, यहां पे आती भी, राइट? अच्छा, तो इसके ऊपर दाना ही बना हुआ है कि अगर आपने कोई बॉल को प्रोजेक्ट किया ऐसे तो बॉल को दुआ बोल दी और कुछ नहीं। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा,
इसका मतलब जिसको जो ऊपर भेजा है वो नीचे आएगा ही आएगा, दैट इज फॉर श्योर। चलिए तो यहां पे आपको दो पॉइंट पॉइंटेड याद रखना है, जिस पॉइंट से आप प्रोजेक्ट करो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, जिन। और अगर मैंने यू स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया है तो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में कसम खिलवा दी थी कि यू आर नॉट सपोज टू आस्क दैट व्हाट इज द फोर्स बिहाइंड दिस। दोनों चीज क्लियर? चलिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको थोड़ा सा ऐसा बना देता हूं, हालांकि ये ऐसा है नहीं, राइट? ये बिल्कुल कैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, मतलब ऊपर गया तो नीचे आ गया, बस स्ट्रेट लाइन। बट मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ऐसा बना देता हूं। अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया यू स्पीड से, राइट? ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी जाती है, जीरो। ये याद रखना, वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट जीरो हो जाती है, मतलब जैसे ही बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई उसकी स्पीड उस पॉइंट पे जीरो हो जाती है, अब वो फर्दर ऊपर नहीं जाएगी। सो मैंने प्रोजेक्ट किया t इक्वल टू जीरो पे, मैं मान लेता हूं t इक्वल टू कैपिटल t, ये वापस प्रोजेक्ट किया अच्छा होगा, ठीक है? t इक्वल टू कैपिटल t क्यों लिया है मैंने, दिस इज कॉल्ड अ टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर पार्टिकल हवा में है, दैट इज कॉल्ड अ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमें यहां पे बहुत सारी चीजें निकालना है, उनने इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि आपने इतनी स्पीड से पार्टिकल को थ्रो किया है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट, दैट इज जीरो, व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट इज कमिंग बैक टू द ग्राउंड, ये हम निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, सब चीज देखते हैं। ये सभी प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी अगर आपने फोर्थ लेक्चर ढंग से देखा है, एप्लीकेशंस ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। यहां पे इस पूरे मोशन को मैं दो तीन पार्ट में डिवाइड करता हूं, मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, ठीक है? अच्छा, अगर मैं पॉइंट इक्वेशंस लगाऊं P से लेके Q तक के बीच में, सो फ्रॉम P टू Q आई एम अप्लाइंग ऑल द इक्वेशंस, यहां पर हमको एक्सेलरेशन कितना लेना है, G माइनस G, एक्सेलरेशन आपको लेना है माइनस G। भाई एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तब भी एक्सेलरेशन नीचे है, और जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तब भी एक्सेलरेशन नीचे है, एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, राइट? और अर्थ यूं भी हमेशा नीचे की तरफ ही पार्टिकल को खींचती है, क्या ये चीज क्लियर है आपको? अच्छा, सो मैं अगर पी से क्यू लगाऊंगा, इसका मतलब इनिशियल पॉइंट ये हो गया और फाइनल पॉइंट ये हो गया, अब मैं लगाता हूं वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी, वी इक्वल टू यू प्लस एटी, यहां से यहां तक का टाइम मान लेता हूं टी अप, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो अप, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी एट दिस पॉइंट जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है प्लस यू, क्यों प्लस यू, मैंने ऊपर फेंका है, ये मेरा ओरिजिन है, जीरो कॉमा जीरो। नाउ एक्सेलरेशन कितना है थ्रू आउट द मोशन, इट इज माइनस जी इंटू टाइम टी अप, तो मेरे टी अप की वैल्यू आ गई U by G, ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है, U by G, राइट? अच्छा, अब मैं हाइट निकालना कि ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया, तो मैं फॉर्मूला लगाता हूं S equal to UT plus half AT square, राइट? कहां से कहां तक करूंगा, वापस पॉइंट P से लेके Q तक, इसका मतलब जितनी भी कंडीशंस मेरी Q पॉइंट पे है वो मेरी फाइनल है, और जितनी भी कंडीशंस मेरी P पॉइंट पे है वो मेरी इनिशियल कंडीशंस है। तो यहां पे हम जब डिस्प्लेसमेंट h max इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी u, टाइम कितना लगा यहां से आने में, अभी अपन निकाला u by g, u by g प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है माइनस g, एक्सेलरेशन अगर आपने साइन यहां पर छोड़ दिया सब कुछ गलत हो जाएगा, टाइम कितना है अगेन u by g का होल स्क्वायर, तो मेरा आंसर आएगा u स्क्वायर by g माइनस u स्क्वायर by 2g, आई गॉट द आंसर u स्क्वायर by 2g, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ मैक्सिमम हाइट, क्या ये भी चीज आपको क्लियर है? हमने टाइम निकाल लिया ऊपर जाने का, हमने हाइट निकाली कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल व्हेन वी आर प्रोजेक्टिंग दिस पार्टिकल विद स्पीड u। तीसरी चीज हमें काम करते हैं पूरा टाइम निकालने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काफी मजा आने वाला है। हमने इस पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया ऐसे, गया ऊपर रुका नीचे आ गया इधर,
यहां से यहां तक की जर्नी में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, कैपिटल टी, दिस वर्ड इज टाइम ऑफ लाइट, कितना टाइम लगा। अच्छा अगर मैं बोलूं कि मेरा पॉइंट पी से क्यू से आ, मतलब पी से क्यू से आ, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पी से आर और पी एक ही पॉइंट है, इसका मतलब पार्टिकल ऊपर गया और नीचे आ गया, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो। इफ आई यूज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कहां से कहां तक, पी से लेके वापस आर तक, मतलब वो एक ही पॉइंट है, तो पी और आर इनिशियल से लेके वापस यहीं आ गया वो, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी यू, टाइम कितना लग रहा है कैपिटल टी, मुझे पता नहीं, मुझे निकालना है टोटल टाइम, राइट। एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। आप ये सॉल्व करोगे तो आएगा आंसर ये इधर गया 2u by g, तो मेरा टोटल टाइम कितना लग रहा 2u by g। एक पॉइंट ध्यान रखो यहां पर, ऊपर जाने में टाइम लग रहा है u by g, टोटल टाइम लग रहा है 2u by g, इसका मतलब नीचे आने में कितना टाइम लगा होगा, u by g, as simple as that। इसका मतलब जितना टाइम पार्टिकल को ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम पार्टिकल को नीचे आने में लगता है। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं अपन, कि जैसे ही पार्टिकल ग्राउंड पर टच होने वाला होगा, कब, ऊपर से पलटती जब वापस नीचे ग्राउंड पर टच होने वाला होगा, तब उसकी वेलोसिटी निकाल के देख लेते हैं। आइए कैसे निकालेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी के फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी। अब आप दो चीज यूज कर सकते हैं, या तो आप यहां से इनिशियल पॉइंट लो और यहां फाइनल पॉइंट ले लो, या फिर आप यहां इनिशियल पॉइंट लो और यहां फाइनल पॉइंट ले लो, ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूं, यहां इनिशियल पॉइंट लेता हूं, यहां फाइनल पॉइंट लेता हूं, Q टू R अप्लाई कर रहा हूं। देखिए आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है इनिशियल पॉइंट क्या लिया है, फाइनल पॉइंट क्या लिया है, कंडीशन क्या है वहां पर, आप लगा सकते हो, तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। सो क्यू से आर, अब इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी होगी, जीरो, फाइनल वेलोसिटी मुझे पता नहीं निकालना है, वी मान लेता हूं, एक्सेलरेशन कितना है जीरो, टाइम यहां से यहां तक टाइम कितना लगा यू बाय जी, तो मेरे वेलोसिटी कितनी आ गई माइनस यू। गजब की बात है, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, माइनस साइन, साइन कन्वेंशन कैसा आता है, माइनस साइन आपको इंडिकेट कर रहा है कि पार्टिकल जा रहा है नीचे, और हमको दिख रहा है कि हाँ भाई पार्टिकल तो नीचे ही जा रहा है। अच्छा अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड पूछूं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, अरे मैग्नीट्यूड तो यू ही है, इसका मतलब जितनी स्पीड से आप फेंकोगे ऊपर, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो, और वहां से पलट के आया जो अपने हाथ में आएगा तब उतनी स्पीड से आएगा जितनी स्पीड से अपन ने थ्रो किया होगा। दिस इज द ब्यूटी, राइट। अच्छा एक चीज यहां पर ध्यान रखना है आपको, कि हमने कोई भी एयर रेजिस्टेंस या दूसरा अदर फोर्स नहीं लिया है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर, वो है ग्रेविटी वाला या अर्थ का फोर्स, करेक्ट। इन सभी सिचुएशंस को देखने के बाद आपको एक चीज और क्लियर हो रही होगी कि ये मोशन पूरा सिमेट्रिक मोशन है इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट ये मोशन पूरा सिमेट्रिक है। बस अगर अपन वेलोसिटी देखें तो वो नेगेटिव हो जाएगी इस हिसाब में। अगर यहां पे स्पीड की बात करूं तो अगर स्पीड u है तो इस पॉइंट पे स्पीड भी कितनी होगी u, अगर इस पॉइंट पे स्पीड आपकी u1 है तो इस पॉइंट पे स्पीड भी कितनी होगी u1, या वेलोसिटी होगी माइनस u1। हर पॉइंट पे आपकी स्पीड बराबर आनी है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी रहती है जीरो। एक चीज और ध्यान रखो, मान लो यहां से यहां तक टाइम लगा t0, तो रिटर्न जर्नी में इस पॉइंट से लेके ग्राउंड तक भी टी नॉट टाइम ही लगेगा। केस टू, मेरा पार्टिकल किसी एच हाइट से मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, मान लीजिए एच हाइट की बिल्डिंग है और वहां से मैंने क्या किया, इसको ड्रॉप कर दिया, राइट। जैसे मैंने ड्रॉप, ड्रॉपिंग मींस इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जब भी क्वेश्चन में आपको ड्रॉप दिखाया है इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या कंसिडर करना है आपको, जीरो, यू आर जस्ट रिलीजिंग द पार्टिकल, दैट्स इट। So, अगर मैंने इसको ड्रॉप किया, अब क्या होगा, ये नीचे आएगा अर्थ के इफेक्ट में, राइट।
तो हम इक्वेशंस कैसे यूज करेंगे? इक्वेशंस यूज करने के लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से काफी सारी हेल्प मिल जाएगी। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि इन सारे केसेस में आपको थ्री डिफरेंट इक्वेशंस लगाते कैसे। देखो, हमको तीन इक्वेशन के अलावा कुछ भी नहीं आता और आपको भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं तीन इक्वेशन से अपन पूरा चैप्टर सॉल्व कर देंगे, 1D भी और 2D भी, राइट? तो आपको याद कुछ नहीं करना है, बस आपको चीजें ध्यान रखना है कि कब कैसे कहां क्यों लगाते हैं। ठीक, चलिए। तो हमने ड्रॉ किया, अगर मुझे मान लो इस पॉइंट पे स्पीड चाहिए, राइट, जो कि वाई डिस्टेंस नीचे है, और मान लो यहां पे टी टाइम लग गया है, राइट। सो हम यूज करेंगे वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन कितना लेंगे माइनस, ध्यान रखिए माइनस, टाइम, टाइम हमेशा पॉजिटिव, तो मेरी वेलोसिटी आएगी माइनस जी की। इसका फॉर्मूला बता के मत याद रखिए, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए, राइट। अगर मुझे हाइट निकालना है भाई, तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, सेकंड इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। फिर से एक बात ध्यान रखने वाली, क्या अगर मैं इस पॉइंट पे प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो ये मेरा ओरिजिन हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन मेरा माइनस जी टी स्क्वायर, तो मेरी वाई जो आएगी वो आएगी हाफ जी टी स्क्वायर। ये बेसिकली हाइट है, y क्या है, हाइट, एंड हाइट इज नेवर नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट में मैंने ऑलरेडी नेगेटिव ले लिया है, इट इज क्लियर। चलिए थर्ड केस में हम क्या करते हैं, इस पार्टिकल को ऊपर ले करते हैं यू स्पीड से, राइट। यू स्पीड से जैसे मैंने इसको ऊपर चेक किया तो ये पार्टिकल कुछ ऐसा आएगा, करेक्ट। हम जब इक्वेशन यूज करेंगे, सो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहां पे एक्सेलरेशन कितना होगा, नेगेटिव इनटू डी, तो ये जगह u माइनस जी टी। दिस विल गिव यू द वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट। आप टाइम की वैल्यू डालते जाइए, आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे वेलोसिटी आती जाएगी, ठीक है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सो आपको s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करना है, राइट। इनिशियल वेलोसिटी यहां पर पॉजिटिव लेंगे, एक्सेलरेशन हमेशा की तरह हम नेगेटिव लेंगे, और ओरिजिन हमारा ये वाला पॉइंट है, राइट। तो अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आता है, इसका मतलब इस पॉइंट से ऊपर है पार्टिकल, हो सकता है वो इधर हो या रिटर्न जर्नी में हो। नेगेटिव आता है आपका आंसर, इसका मतलब वो इस पॉइंट से नीचे आ चुका है, क्या चीज क्लियर है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इनके ऊपर, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि आपको इक्वेशंस अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक केस और बना सकता हूं, मैं पार्टिकल को नीचे थ्रो कर देता। अगर मैं पार्टिकल को नीचे थ्रो कर देता तो यहां पे वेलोसिटी की जगह क्या जाता, माइनस यू माइनस जी टी, क्या ये चीज क्लियर। और वेलोसिटी आपकी थ्रू आउट द मोशन फिर नेगेटिव ही होती, क्योंकि पार्टिकल नीचे ही जाता रहता, क्लियर। चलिए केस फोर लेते हैं, हम ग्राउंड पे खड़े हैं और पार्टिकल को ऐसे ऊपर देख कर रहे हैं, छत के ऊपर ऐसे, ठीक है। इस केस में ओरिजिन कहां मानेंगे, ग्राउंड पे, क्लियर। ग्राउंड पे ओरिजिन मानने के बाद हम अगर इक्वेशन अप्लाई करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, माइनस जी टी। दिस विल गिव यू द वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द मोशन। आप टाइम के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाइए, जैसे जैसे आप टाइम पुट करते जाएंगे वैसे वैसे मेरी वेलोसिटी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती जाएगी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी फिर जीरो हो जाएगी, राइट। ऐसे आप डिफरेंट केसेस लगा सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं। इस एग्जाम्पल में डेटा बहुत कम है और पूछा काफी ज्यादा है। क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल है जिसको 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया है। नाउ दे आर आस्किंग फाइंड द टाइम इन द अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, टोटल टाइम, मैक्सिमम हाइट, स्पीड एट टॉप मोस्ट पॉइंट, स्पीड एट टी इक्वल टू 1 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन द सेकंड सेकंड, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकंड ऑफ द अपवर्ड मोशन। मुझे पता है मेरा पार्टिकल ऐसा स्ट्रेट जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर टच करेगा, स्पीड जीरो होगी और वापस स्ट्रेट लाइन में नीचे जाएगा, बिकॉज राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग वन डायमेंशन मोशन ओनली, राइट।
सो जो वेलोसिटी होती है टॉप मोस्ट पॉइंट पे वो क्या होती है, जीरो है, आपको पता है, पार्टिकल ऊपर जाके रेस्ट पे आया था, यहां से यहां तक का जाने का टाइम टी अप, टी अप का फॉर्मूला हमें पता है, टी अप इक्वल्स टू यू बाय जी, तो यू 50, जी कितना है 10, 5, अब यहां पे हम जी माइनस 10 नहीं लेंगे, और वैसे भी आंसर टाइम है, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट, तो मेरा आंसर आ गया 5 सेकंड्स, अगर 5 सेकंड अपवर्ड मोशन में, तो डाउनवर्ड मोशन में सिमेट्री, वेरी गुड, 5 सेकंड्स, टोटल टाइम 10 सेकंड्स, मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर बाय 2g, सो दैट इज 50 स्क्वायर बाय 20, मेरा आ गया 125 मीटर, वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, व्हाट इज द वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज 0, नाउ दैट्स द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड, सो वेलोसिटी का t इक्वल टू 1 सेकंड v इक्वल टू u प्लस 80, अब आपको सबको साइन के साथ रखना है, वेलोसिटी पॉजिटिव 50, एक्सेलरेशन नेगेटिव, टाइम 1 सेकंड, तो कितना आ गया 40, दिस इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड और वेलोसिटी ऊपर, नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड विल बी u प्लस a बाय 2 इनटू 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला भी हम यहां लगा सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, सो इनिशियल वेलोसिटी 50, एक्सेलरेशन माइनस 10 इनटू सेकंड सेकंड की बात कर रहे हैं, तो t इक्वल टू n इक्वल टू 2 डालना पड़ेगा, तो कितना आ गया मेरा 50 माइनस 5 इनटू 3 दैट इज 35 मीटर सेकेंड सेकेंड में, ये पार्टिकल 35 मीटर चलता है, ओके ना, अब जो लास्ट क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दे आर आस्किंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द लास्ट सेकेंड ऑफ द अपवर्ड मोशन, इसका मतलब मान लो कितना टाइम लगा इसको यहां से यहां तक जाने में, कितना लगा टोटल 5 सेकेंड, इसका मतलब 1 सेकंड में यहां होगा, 2 सेकंड में यहां होगा, 3 सेकंड में यहां होगा, 4 सेकंड में यहां होगा, 5 सेकंड में यहां पहुंच जाओगे, राइट, t इक्वल टू 5 सेकंड, फिर 6 पे यहां आया होगा, 7 पे यहां आया होगा, 8 पे यहां, 9 पे इधर और 10 पे वापस, दीज आर द टाइम, इतने सेकंड्स में वो इस पोजीशंस पे पार्टिकल होगा, वो मुझसे पूछ रहा है कि अपवर्ड मोशन पे लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, Right? अब आपको पता है कि t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 5 पे मैं इजीली डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट कर सकता हूं, कैसे, ये जो मोशन है ये कौन सा मोशन है, फोर्थ सेकंड है, फिफ्थ सेकंड, ये है फिफ्थ, राइट, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन द फिफ्थ सेकंड, यहां पर निकाल के देखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन द फिफ्थ सेकंड will be u plus a by 2 into 2n minus 1, u कितना 50 plus a by 2 into 2n minus 1, तो कितना आ गया हमारा 50 minus 5, n की वैल्यू कितनी है 5, so it is 45, this is 5 meter, अब आप बोलोगे कि ये तो बड़ा इजी हो गया, मान लो कि मैं क्वेश्चन देता आपको, एक पार्टिकल है जिसको मैंने थ्रो किया u स्पीड से, अननोन स्पीड, अब मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन, अब कैसे करेंगे, तो हमें यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, हमें पता है कि जो मोशन होता है वो सिमेट्रिक होता है, अगर मोशन सिमेट्रिक है मतलब जैसा बिहेवियर उसका ऊपर जाने में है क्या वैसे ही बिहेवियर उसका नीचे जाने में भी होगा, राइट, सो लास्ट सेकंड ऑफ द अपवर्ड मोशन डोंट यू थिंक इट विल बी इक्वल टू द फर्स्ट सेकंड ऑफ द डाउनवर्ड मोशन, और फर्स्ट सेकंड ऑफ द डाउनवर्ड मोशन में आपको इनिशियल कंडीशन पता है कि यहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, और यहां पर अगर ये फर्स्ट सेकंड है तो
मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता हूँ इजीली, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी जीरो, एक्सेलरेशन कितना है माइनस टेन, टाइम कितना है वन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा माइनस फाइव, अगर मैं डिस्टेंस पूछता तो प्लस फाइव। मतलब जब मेरी स्पीड 50 थी तब भी आंसर 5, और जब मेरी स्पीड अननोन है तब भी आंसर 5। इसका मतलब आप इसको एक गोल्डन रूल बना के याद कर लीजिए, जब भी मैं पार्टिकल को प्रोजेक्ट करूंगा ऊपर की तरफ, लास्ट सेकेंड ऑफ द अपवर्ड मोशन और फर्स्ट सेकेंड ऑफ द डाउनवर्ड मोशन में वो हमेशा 5 मीटर ही ट्रेवल करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मास, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द कंडीशंस। क्या इस चीज आपको क्लियर? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं, हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक बहुत हैवी और एक बहुत लाइट। ये बॉल काफी हैवी है और ये पेन कैप काफी लाइट है। अगर मैं इन दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप करूं तो पहले जमीन पे कौन गिरेगा? द आंसर इज दोनों सेम टाइम पे जमीन पे ड्रॉप होते हैं, गिरते हैं। ऐसा क्यों? अगर मैं एक फेदर लू और एक आयरन बॉल लू हैवी, और उन दोनों को भी अगर मैं गिरा सेम हाइट से, तब भी वो जमीन पे सेम टाइम पे ही गिरते हैं। क्यों? मैंने मान लीजिए यहां पे दो बॉल लिए, एक बहुत हैवी है एक बहुत लाइट है, जिनको सेम हाइट से मैं ग्राउंड पे ड्रॉप कर रहा हूं। आई एम ड्रॉपिंग, राइट? ड्रॉपिंग मींस इनिशियल वेलोसिटी जीरो, बस ऐसे छोड़ दिया ऐसे। नाउ इनकी हाइट सेम है, सो जब फॉर्मूला लगाऊंगा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाइट कितनी है माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन माइनस जी टी स्क्वायर, सो मेरा हाइट कितना आ गया 2h by g। इट मींस व्हेनेवर यू आर ड्रॉपिंग अ बॉडी फ्रॉम हाइट h, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड विल बी 2h by g। अब हैवी के लिए निकालते हैं, h इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके लिए भी हाइट सेम है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन g, तब आंसर आया 2h by g। इसका मतलब आपको ये दिख रहा है कि ये जो टाइम है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। अगर ये टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, इसका मतलब नो मैटर हाउ हैवी और हाउ लाइट द बॉल आई एम टेकिंग, इट विल ऑलवेज कम टू द ग्राउंड एट द सेम टाइम। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें, मैं एक फेदर ले लूं और एक हैवी बॉल ले लूं आयरन बॉल, और उन दोनों को गिराने की कोशिश करूं, तो फेदर काफी टाइम ले लेगा। ये हम बात कर रहे हैं एयर रेजिस्टेंस फ्री स्पेस में, मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स अगर मैं कंसीडर करूं तब ये सिचुएशन पॉसिबल है। अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यूट्यूब पे जाकर एक ग्रेविटी टेस्ट देख सकते हैं, काफी अच्छा वीडियो है। उनने पूरे चैम्बर में वैक्यूम क्रिएट किया, वैक्यूम क्रिएट करने के बाद उनने फेदर और बॉल को ड्रॉप किया और प्रैक्टिकली फाइंड किया कि हाँ ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अगर एयर रेजिस्टेंस जीरो हो तो दोनों एग्जैक्टली सेम टाइम पे ग्राउंड पे आते हैं। अब हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। गिवन है एक एच हाइट की बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक मैन एक बॉल को ड्रॉप कर रहा है, राइट? नाउ उन्होंने बोला है कि मान लो कि हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में, h by 2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम अगर t1 लगता है, और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम अगर t2 लगता है, दे आर आस्किंग फाइंड द रेशियो ऑफ t1 by t2। क्या आपके क्वेश्चन क्लियर? फर्स्ट हाफ में टाइम लगा t1 और सेकेंड हाफ में टाइम लगा t2, दे आर आस्किंग द रेशियो ऑफ t1 by t2। क्या आंसर 1:1 होगा? नहीं, राइट? देखिए, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यहां से यहां तक इनिशियल पॉइंट इसको मानेंगे, फाइनल पॉइंट इसको मान लेते हैं। अगर इनिशियल इसको माना, फाइनल इसको माना, और टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन है, हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन है, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? फर्स्ट सेकंड थर्ड, विल यूज सेकंड इक्वेशन बिकॉज हियर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो गिवन, राइट? सो मैं डिस्प्लेसमेंट मिलाता हूं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो,
एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी इंटू टी स्क्वायर टाइम्स टी का, करेक्ट। तो मेरा आ गया 2 इंटू एच बाय 2 डिवाइडेड बाय जी, ये मेरी टी वन की वैल्यू आ गई, करेक्ट। टोटल टाइम आपको पता है, टोटल टाइम 2 एच बाय जी होता है, टोटल टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एच बाय जी, राइट। नाउ क्या टोटल टाइम टी वन प्लस टी टू इधर है, टी वन प्लस टी टू क्या है मेरा टोटल टाइम, तो मैं यहां से टी टू निकाल देता हूं, अंडर रूट 2 एच बाय जी माइनस टी वन, टी वन की वैल्यू कितनी, अंडर रूट 2 इंटू एच बाय 2 जी, दिस विल बी माय टी टू, राइट। नाउ अगर मैं 2 एच बाय जी कॉमन निकाल लू तो क्या है मेरा आंसर, एच बाय जी कॉमन निकाल दे तो मेरा आंसर आ जाएगा रूट टू माइनस वन टी टू, राइट। नाउ टी वन बाई टी टू का रेशियो, टी वन कितना है अंडर रूट एच बाय जी और टी टू अंडर रूट एच बाय जी इंटू रूट टू माइनस वन, एच बाय जी से एच बाय जी कैंसिल, वन अपॉन रूट टू माइनस वन, दिस इज द आंसर। क्या क्लियर आपको, आइए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगले प्रॉब्लम में क्या है, एक हाइट है बिल्डिंग की जो 80 मीटर है, उसके ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है। अब बच्चा ऑब्जर्वर की खासियत है कि वो या तो हॉरिजॉन्टल लाइन में देख सकता है या ऊपर देख सकता है, बिल्डिंग में नीचे नहीं देख सकता वो, ठीक है, इस लाइन के से ऊपर ऊपर देख सकता है। हमने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया यू स्पीड से और बच्चा बोल रहा है कि आई कैन सी द बॉल फॉर 6 seconds, आई कैन सी द बॉल फॉर 6 seconds, यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल। काफी अच्छा क्वेश्चन है और बुक्स में काफी लंबी मेथड से इसको सॉल्व किया जाता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह बनाते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। अपन इसको 3 लाइन में 2-3 लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां से ये बॉल ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी सेम पार्ट पे, अपन थोड़ा सा इसको सेक ऑफ सिंपलिसिटी के लिए ऐसा बना लेते, राइट। ऑब्जर्वर क्लेम कर रहा है दैट ही कैन सी द बॉल, ही कैन सी द बॉल फॉर 6 seconds, इसका मतलब यहां से यहां तक जो टाइम लगा होगा कितना लगा, 6 seconds, राइट। हम यूज करेंगे यहां पर मोशन की सिमेट्री, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है 0, अगर यहां से यहां तक टाइम 6 लग रहा है इसका मतलब यहां से यहां तक बच्चों कितना टाइम लगना चाहिए, 3 seconds, क्या सिमेट्री जाएगी। अगर सिमेट्री लगा दी आपने तो आपका काम हो गया। अब मान लीजिए इस पॉइंट पे स्पीड 0 है, क्या आप इस पॉइंट पे स्पीड निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पे स्पीड इसलिए निकालने का बोल रहा हूं मैं ताकि अपन इन दोनों पॉइंट के बीच में फिर अपन इक्वेशन लगा लेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, बिकॉज हमारे पास हाइट गिवन है, यहां हमारे पास हाइट कोई गिवन नहीं है, राइट। तो यहां पे इक्वेशन स्पीड निकालते हैं, स्पीड कितनी आएगी v इक्वल टू यू प्लस 80, तो मेरी स्पीड आ गई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी आ गई मेरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी आ गई 0 माइनस 10 इंटू 3, मतलब वेलोसिटी कितनी आ गई मेरी माइनस 30 मीटर पर सेकेंड, कैचेस क्लियर। अब इसको इनिशियल पॉइंट लेता हूं और इसको फाइनल पॉइंट लेता हूं, इनिशियल पॉइंट ये हो गया फाइनल पॉइंट ये हो गया। अब मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन मेरे पास क्या है, हाइट डिस्टेंस है मेरे पास, राइट। अगर मैं फिर से मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूं ऐसे, है ना, नया प्रॉब्लम हो गया अपने लिए। अब यहां से मैं किसी बॉडी को थ्रो कर रहा हूं कितनी स्पीड से, माइनस 30 की वेलोसिटी से या 30 की स्पीड से, राइट। अब थर्ड इक्वेशन लगाते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे मुझे निकालना है v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है माइनस 30 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना है माइनस 10, राइट। डिस्प्लेसमेंट कितना है प्लस 10 प्लस 80 माइनस 80, वेरी गुड, हम नीचे जा रहे हैं और नीचे कन्वेंशन माइनस, सो इट विल बी माइनस 80,
राइट. सो दिस इज 900 प्लस 1600 एंड रूट विल गिव यू 2500 दैट इज 50. इसका मतलब अगर आप 50 की स्पीड से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे तो ये पर्सन बोलेगा कि हाँ मैं 6 सेकंड तक बॉल को देख सकता हूं. राइट. आई होप ये प्रॉब्लम काफी सिंपल हो गई अगर अपन ने सिमेट्री लगा लिया. राइट. वरना इसका दूसरा तरीका क्या है, यूजुअली बुक्स में भी गिवन रहता है और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. क्या करना है आपने को, यहां से यहां तक का टाइम मानो टी वन. राइट. फिर यहां से यहां तक का टाइम मानो टी टू. क्लियर. अगर ये चीज टी वन है तो ये चीज भी क्या होगी, टी वन. मतलब मेरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे लिख सकते हैं टी टू प्लस टी वन इट इज इक्वल टू यू टू यू बाय जी. यहां से मेरी इक्वेशन आ जाएगी. राइट. दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या ये ऑब्जर्वर का टाइम है. इट मीन स्मॉल टी टू माइनस टी वन इक्वल टू 6. राइट. फिर आपको इनको सॉल्व करके और वेलोसिटी निकालनी होगी. बट ये थोड़ी सी लेंथी मेथड हो जाएगी, इसलिए आप इसको अवॉइड करो, सिमेट्रिक लगाओ, ब्रेन लगाओ, आंसर करो.